हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन अगेन बैक विद द न्यू वीडियो। हम आपके फ्रेंड्स आ रहा हूँ टू आई गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ हमें किसी के प्यार में द अपकमिंग एपिसोड। तो आज हम शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है साई घर लौटती है। लौटने पर उसे रोका जाता है और कहा जाता है कि जाते वक्त तो शेरनी की तरह गई थी, आए क्यों जुए की तरह अंदर आ रही है, काफ़ी कहती है उसे, तो वो कुछ नहीं कहती। उतने में ही अश्विनी जाके पूछती है, यानी कि विराट की माँ जाके पूछती है, सही तुम आ गए बेटे, क्या हो तो उस खाना खा लिया तुमने, कहती है। तो सही कहती है, नहीं आई, मैंने खाना नहीं खाया, ऐसे ही आ गए मिलके पास, सही बोलती है। अश्विनी कहती है, चल ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, तूने खाना क्यों नहीं खाया। घर वाले सब उसे के पीछे पड़ जाते, क्यों खाना नहीं खा के आई, तो सिर्फ प्रोफेसर के यहाँ किस लिए गई है, क्या वजह थी, प्रोफेसर के यहाँ रहनी है, प्रोफेसर के यहाँ गई है या कहीं और गई है। सब कहते हैं, सब आदमी, हर एक इंसान एक एक ताना देता है। अश्विनी बहुत सपोर्ट करती है साई का। अश्विनी बोलती है कि क्यों आप लोग उसके पीछे पड़े हुए, उसे खाना तो खा लेने दे। तो जिस लड़की के लिए हम सबका खाना हराम हुआ है, आप उसे कह रहे हैं खाना खाने के लिए, कहते हैं। घर का हर एक सदस्य सही को ताना देता रहता है और अश्विनी सही को सपोर्ट करने की वजह से अश्विनी को भी नीना, अश्विनी का पति जो है, अश्विनी को मारने के लिए धमकी देता है। तो सही पूछती है, आप इस तरह से कैसी बात कर सकते हैं सबके सामने, माँ आई से कहने के तय कहते ही वो कहता है कि मेरे और मेरे पत्नी के बीच में तुम बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जब सही पूछती है, जब मेरे और विराट सर के बीच में कुछ चलता रहता है तो आप लोग तो आप सब बीच में आ जाते हैं, लेकिन जब आपकी बात हो गई तो पति और पत्नी का मामला, ये कौन सी सच्चाई, ये कौन सा सही तरीका है बाबा, बोल के सही पूछती है। उसके बाद काकू कहती है, इसे तो बदतमीजी करने की आदत हो गई है, इसके मुँह अलग। सोनाली भी अश्विनी को बहुत सारे ताने देती है, बदले में सोनाली को अश्विनी कुछ कहती है तो सब मिलके अश्विनी पे ही बोलते हैं कि वो गलत है। पूरा ड्रामे में यही है कि आज के एपिसोड में कि सब साई को सुनाते रहते हैं और अश्विनी उसको सपोर्ट करती है और अश्विनी को भी सब सुनाते हैं ताने। दूसरी तरफ ये विराट आता है, अपनी आई को रोकता है कि उसे खाना देने से। उसके बाद विराट को खाना नहीं देने के लिए कहता है, तो सही कहती है ठीक है, आप खाना यहाँ ना दे, मैं बाहर से मंगा लूँगी, कहकर मौसी को पैसे देती है। तो मौसी को कहता है विराट कि मौसी आप रुक जाइए, कहीं नहीं जाओगी, और वो पैसे भी मेरे ही है सही, जिस पैसे का तुम घमंड कर रही हो तो उस पैसे से तुम खाना नहीं मंगा सकती। तो सही अपने पर्स में से जितने भी पैसे थे पूरे निकालती है, निकाल के विराट को दे देती है, आपके पैसे जो उधारी लिए थे मैंने वो वापस कर दिए, जब तक मेरे स्कॉलरशिप के पैसे नहीं आएंगे मैं आपके पास खाना नहीं खाऊंगी। तो मौसी कहती है, मैंने अब तक कुछ नहीं कहा था मां जी आपको, लेकिन आपने बहुत गलत किया है, आप ये सही नहीं कर रहे सके थे। तो विराट कहता है कि आप हमारे बीच में ना आए तो अच्छा है। उसके बाद जब सही को भूखा रखने की वजह से अश्विनी विराट की माँ भी कहती है, क्यों ऐसा कर रहा है विराट, तो नहीं माँ आज आप मत बोलिए, आई मत बोलिए आई आप ऐसा, क्योंकि आज मुझे करने दीजिए, जिस तरह तमाशा करके ये गई है ना, उसके तमाशे की सज़ा है ये, कहकर विराट सही को बोलता है। आने वाले एपिसोड में ये है कि सही को नहीं समझा सकते, विराट समझता रहता है और पाकी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ विराट, तुम जो भी कहेंगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले ही सही तुम्हारे खिलाफ है, ऐसा पाकी कहती है। लेकिन सही की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है आने वाले एपिसोड में, और बाकी विराट जो है किस तरह सही को खाना खिलाएगा, किस तरह मनाएगा, अब देखने वाला एक ट्रैक यही है। तो फिर सब आने वाले एपिसोड के हम आपको सारे डिटेल्स देंगे, जो भी अपकमिंग एपिसोड्स है, हर दिन हम आपको एक न्यू वीडियो में न्यू डिटेल देंगे, आपको जो भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ देखते रहिए हमारे चैनल को, अगर न्यू है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को आप। तो फ्रेंड्स अगर कुछ रहा तो कमेंट करके बता सकते हो आप। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।